तो हाँ, तो यार गाइज हाँ जी ना, आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सोनी के सिंगल डिन कार स्टीरियो के सारे फीचर बताऊंगा और आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगा। और दोस्तों, कौन सा बटन इसका क्या काम करता है ये बताऊंगा। और दोस्तों, इसकी जितनी भी सेटिंग है, चाहे वो ब्लूटूथ की हो, साउंड की हो, डिस्प्ले की हो, सोनी ऐप की हो, सारी सेटिंग बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा कार स्टीरियो, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। अब बात करते हैं स्टीरियो के बारे में। तो देखिए दोस्तों, या तो आपने स्टीरियो लगवा लिया है सोनी का, या आप लगवाने की सोच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का स्टीरियो देखने के लिए मिलता है। ये मेरे पास जो मॉडल है, ये है सोनी का DSX A416 BT। आपके पास A410 भी हो सकता है और आपके पास कोई और मॉडल भी हो सकता है। तो लगभग जो इसकी सेटिंग है सभी वो सेम ही रहेगी। तो अब बात करते हैं हम इसके फ्रंट पैनल के बटन की। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक छोटा बटन देखने के लिए मिल जाता है। इस बटन से क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका पैनल है, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर फिर से लगा देता हूँ। और ये जो आप यहाँ पर सोर्स का बटन देख पा रहे हो, तो देखिए दोस्तों, इसे अगर हम यहाँ पर दबा कर रखेंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो स्टीरियो है यहाँ से ऑन ऑफ भी होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर एक बार ऑन कर देता हूँ। और ये सोर्स बटन है हमारा, इस बटन से देखिए हम अपने यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्यूनर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर FM का काम करता है। तो जैसे कि आप वीडियो में इसकी साउंड भी चेक कर पा रहे हो। और ये है दोस्तों इसका USB। अगर आपको पेन ड्राइव लगानी है तो आप यहाँ पर USB लगा सकते हो, पेन ड्राइव वगैरह अपनी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यहाँ पर अभी मैंने क्लोज़ कर दिया है। और दोस्तों, ये है हमारा ऑक्स। अगर आप इसके अंदर ऑक्स इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर ऑक्स लगानी होगी। और ये है दोस्तों इसका ब्लूटूथ, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, यहाँ से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके ब्लूटूथ से इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, एक बार इसको मैं और दबाता हूँ, यहाँ पर फिर से ट्यूनर आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी मोड इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये PYT सर्च मोड का हमारा यहाँ पर बटन देखने के लिए मिल जाता है। और ये हमारी वॉल्यूम नॉब है, और इसी से ही सारा स्टीरियो हमारा कंट्रोल होता है। और ये NFC की ब्रांडिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो आप बटन देख पा रहे हो, ये हमारा कॉल उठा सकते हैं हम इससे, और कॉल यहाँ पर काट भी सकते हैं। और आप जैसे नीचे की तरफ एक यहाँ पर बटन और देख पा रहे हो, ये हमारा बैक बटन है। और दोस्तों, ये है हमारी मेन डिस्प्ले। तो ये जैसे कि आप नीचे की तरफ बटन देख पा रहे हो, इससे आप अपने जो डायरेक्ट सॉन्ग है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। किसी भी नंबर का आप यहाँ पर इन बटन से सॉन्ग चला सकते हो। और यहाँ पर एक्स्ट्रा बेस का यहाँ पर हमें एक बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दो पॉइंट हमें बेस एक्स्ट्रा के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये इसका ऑक्स का इनपुट है, इसमें यहाँ पर लगाकर आप यहाँ पर ऑक्स चला सकते हो। और जैसे कि दोस्तों, आप ये ऊपर की तरफ एक बटन देख पा रहे हो, एक बटन यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाया गया है, इससे आप अपने गाने को जो सॉन्ग है उसको नेक्स्ट कर सकते हो, और यहाँ से इसको पीछे भी हटा सकते हो। और ये दोस्तों, यहाँ पर हमें डिस्प्ले का बटन देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं हम अपने वॉल्यूम नॉब की। तो इसको यहाँ पर आप रोटेट कर वॉल्यूम को अपने घटा या बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के ये बटन यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इस तरह की डिस्प्ले दिखाई गई है। इस तरह से आप इन बटन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने यहाँ पर ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमको ये बटन दबाना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमें जनरल की सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, इसको यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेट डेमो मोड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पर डेमो मोड को यहाँ पर ऑफ करना है। ये देखिए, इसको यहाँ पर मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर नीचे की तरफ से बैक कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो दोस्तों, डेमो मोड अभी हमारे यहाँ पर ऑफ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा वॉल्यूम नॉब है, इसको मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कैसे सेटिंग देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ को यहाँ पर मैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है सेट ब्लूटूथ सिग्नल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारे ब्लूटूथ है वो अभी यहाँ पर ऑन हो चुकी है, और ये ब्लूटूथ का जो सिंबल है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर सारा बैक कर देता हूँ। तो ये हमारा बैक हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे हाथ में मेरा फ़ोन। तो चलिए, इसको हम यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी सर्चिंग चल रही है। तो यहाँ पर जो हमारा मॉडल नंबर है DSX A416 BT, वो स्टीरियो का यहाँ पर मॉडल नंबर आ चुका है। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसको पेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर पेयर हो चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं। इसको यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ।
और दोस्तों वीडियो में आपको बता दूं, इस स्टीरियो से आप दो मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, एक से अपने सॉन्ग प्ले कर सकते हो और एक मोबाइल से अपनी कॉल वगैरह उठा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा मल्टीमीडिया है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, जो सॉन्ग वगैरह है वो इस फ़ोन से चलेंगे और जो अभी कॉल वाला फ़ोन है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसकी सारी सेटिंग की। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर वॉल्यूम नॉब को एक बार दबाना है, तो यहाँ पर हमें ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों ये है इसका सोनी ऐप और ये है इसका जर्नल और दोस्तों ये है इसका साउंड का और ये डिस्प्ले है और यहाँ पर फिर से ब्लूटूथ आ चुका है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने जर्नल से। तो यहाँ पर जर्नल को एक बार मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सेट डेमो मोड आ रहा है जो कि दोस्तों आपको ऑफ रखना है। और अगर दूसरी सेटिंग की यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर सेट क्लॉक यहाँ पर देख पा रहे हो आप, इसको दबाकर आप अपनी जो स्टीरियो है इसका टाइम को सेट कर सकते हो। अभी जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, इसको यहाँ पर मैं ही रहने दे रहा हूँ। और दोस्तों अब बात करता हूँ मैं आपसे दूसरी सेटिंग की। तो यहाँ पर जैसे कि आप बीप देख पा रहे हो, सेट बीप, ये जो आप स्टीरियो की आवाज़ देख पा रहे हो बारीक सी, इसको आप बंद या चालू कर सकते हो। ये देखिए अभी स्टीरियो के अंदर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ, ये यहाँ पर ऑन हो चुकी है। अब बात करता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट सेटिंग की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो सेट ऑटो ऑफ, तो देखिए दोस्तों आप इसको ऑन भी रख सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो। तो इसको यहाँ पर मैंने अभी ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर ये सीटी देख पा रहे हो आप, इसको भी आप ऑन या ऑफ रख सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की। ये दोस्तों फिर से डेमो मोड हमारा आ चुका है। तो ये तो हुई दोस्तों जनरल की बात। अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है हमारी यहाँ पर साउंड। अगर मैं यहाँ पर एक बार साउंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है सेट बैलेंस यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। तो सॉन्ग अभी मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया है जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। अब हम यहाँ पर करते हैं सेट बैलेंस। तो एक बार मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर है बैलेंस सेंटर। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर अभी प्लस करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों जो अभी हमारे राइट के स्पीकर हैं, ओनली राइट के स्पीकर ही हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैं इसको वॉल्यूम को पीछे की तरफ घुमाता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अब हमारे ओनली लेफ्ट के स्पीकर ही काम कर रहे हैं जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। आप अपने हिसाब से स्पीकर को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर, इसको मैं बीच में कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी, देखिए यहाँ पर है सेट वेदर। तो दोस्तों अगर मैं इस पर यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो अगर मैं इसको वॉल्यूम को यहाँ पर प्लस की तरफ ले चलता हूँ तो ये देखिए दोस्तों अभी जो हमारे ओनली फ्रंट के स्पीकर ही काम कर रहे हैं जैसे कि आप साउंड में देख भी पा रहे हो, ओनली फ्रंट के स्पीकर ही काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बैक साइड की बात करता हूँ तो ये देखिए जो अभी रियर के स्पीकर हैं, ओनली रियर के स्पीकर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। आप इस तरह से अपने स्पीकर को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ को इसको सेंटर में कर देता हूँ और बात करता हूँ आपसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर। तो देखिए यहाँ है सेट सबवूफर और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों ये है सेट सबवूफर लेवल। तो चलिए एक बार मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये है सबवूफर अभी जीरो पर है, यानी कि जो हमारे सबवूफर में बेस आ रही है, जो एम्पलीफायर अभी बेस दे रहा है, ओनली वही बेस हमें यहाँ पर सुनने के लिए मिल रही है। अगर आप सबवूफर के लेवल को बढ़ाना चाहते हो तो ये देखिए थोड़ी सी जो बेस है वो इंक्रीज अभी यहाँ पर हो गई है और इसी तरह से आप अपनी बेस को कम भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। अभी देखिए दोस्तों अभी जो बेस है वो बिल्कुल हमारे यहाँ पर बंद हो चुकी है, तो आप इसको भी अपने हिसाब से सबवूफर को सेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर। तो ये है सबवूफर फेस जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। तो इसको आप नॉर्मल भी रख सकते हो या फिर सेटिंग को इसकी चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ आपसे नॉर्मल सेटिंग की, यहाँ भी मैंने यहाँ पर इसको नॉर्मल कर दिया है। बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर, तो ये है LPF की फ्रिक्वेंसी, सेट LPF की फ्रिक्वेंसी। चलिए इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसमें हमें 80 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है और 100 हर्ट्ज की, 120 हर्ट्ज, और ये दोस्तों हमें तीन फ्रिक्वेंसी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी सबवूफर की सेटिंग। चलिए इस बटन को दबाकर एक बार मैं बैक कर लेता हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए ये देखिए दोस्तों सेट HPF फ्रिक्वेंसी, आप HPF की फ्रिक्वेंसी को भी सेट कर सकते हो। इससे जो आपकी स्पीकर की आवाज़ है वो यहाँ पर चेंज होगी। अभी ये यहाँ पर ऑफ है, चाहे तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये देखिए अभी यहाँ पर 80 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, 100 हो चुकी है, 120 हो चुकी है, तो तीन फ्रिक्वेंसी हमें HPF की भी देखने के लिए मिल जाती है। अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर, दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है हमारी सेट BTA वॉल्यूम। दोस्तों इस सेटिंग से आप अपनी जो स्पीकर की साउंड है उसको चेंज कर सकते हो। तो देखिए अभी मैं इसको बढ़ाता हूँ, इससे आप अपने स्पीकर की DB को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की, तो देखिए यहाँ पर 10 इक्वलाइजर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं
इस स्टीरियो के अंदर हमें 10 इक्वलाइजर देखने के लिए मिलते हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हमें कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है और जो इसके इक्वलाइजर है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसके इक्वलाइजर है जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इसको यहाँ पर अभी ऑफ़ कर देता हूँ। तो मैंने इसको अभी ऑफ़ कर दिया है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग की, तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट सेटिंग है हमारी इक्वलाइजर कस्टम, इसको आप कस्टम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको एक बार मैं बैक कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ, तो फिर से वही हमारे स्पीकर का बैलेंस के लिए आ चुका है, यानी कि जो साउंड की सेटिंग है वो टोटल हमारी हो चुकी है। तो चलिए इस बटन को दबाकर अभी मैं बैक आ जाता हूँ। अब है दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग हमारी डिस्प्ले की। तो चलिए एक बार डिस्प्ले पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखने के लिए मिल जाता है सेट डिमर, इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखें। ये देखिए जो अभी स्टीरियो की लाइट है वो ज़्यादा हो चुकी है, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए अभी डिमर को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है, तो जो स्टीरियो की जो लाइट है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो चुकी है। तो चलिए इसको यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और ये है दोस्तों हमारी ब्राइटनेस। तो ये देखिए अभी जो ब्राइटनेस है वो मैंने 5 की, इसको आप बढ़ा सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो। ब्राइटनेस इसके अंदर 10 दी गई है और यहाँ पर आप 1 भी कर सकते हो। और बात करता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट सेटिंग की। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सेट बटन कलर, तो ध्यान से देख लेना दोस्तों। अभी जो बटन के कलर है उसकी यहाँ पर हम सेटिंग की बात करते हैं। एक बार मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अगर मैं सेट कलर की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि आप ब्लू देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ आ रहा है, तो जो हमारे बटन के कलर हैं वो यहाँ पर ब्लू हो चुके हैं। तो अगर मैं दूसरे कलर की बात करता हूँ, ये पर्पल हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर जो हमारे बटन के कलर हैं इसको यहाँ पर पिंक कर देता हूँ, तो ये हमारा जो कलर है वो पिंक हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बैक करके दिखाऊँ, तो ये देखिए दोस्तों ये जो हमारे स्टीरियो के बटन के कलर हैं वो अभी यहाँ पर पिंक हो चुके हैं। तो चलिए फिर से वहीं पर सेटिंग पर चलते हैं, तो डिस्प्ले पर। और दोस्तों अगर मैं आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेट डिस्प्ले कलर, तो आप जो इसकी डिस्प्ले है इसके कलर को भी यहाँ सेट कर सकते हो। एक बार फिर से कलर पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेट कलर यहाँ पर आ रहे हैं, जो डिस्प्ले का कलर है वो अभी ग्रीन है। ये देखिए दोस्तों ये कलर हमारा चेंज हो चुका है, ये ब्लू आ चुका है। आप इसको किसी भी कलर में रख सकते हो। तो अभी मैं इसको यहाँ पर येलो रहने दे रहा हूँ। तो चलिए एक बार मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। तो ये है सेट कस्टम कलर। तो ये तो हुई दोस्तों इसके स्टूडियो के कलर की बात। अगर मैं आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों सेट साउंड सिंक्रोनाइज। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पर अभी ऑफ है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन करूँगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। अब मैं इसके अंदर अगर कोई भी सॉन्ग चलाऊँगा स्टूडियो के अंदर, ये जो स्टूडियो की सारी लाइटें हैं फिर ये हमारे म्यूजिक के तरह ही परफॉर्म करेगी। अगर आवाज़ तेज़ होगी तो लाइटें तेज हो जाएंगी, और आवाज़ कम होगी तो जो हमारी लाइटें हैं वो कम हो जाएगी। तो चलिए इसको यहाँ पर मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट सेटिंग की, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये है सेट ऑटो सेंसर, इसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। अभी ये ऑफ़ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करता हूँ नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों सेट ब्लैक आउट, अगर दोस्तों इसको हम यहाँ पर ऑन कर देंगे तो जो हमारी स्टूडियो की लाइट है वो सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाएगी। ये मैं इसको ऑन कर दिया है मैंने। अगर मैं थोड़ी देर इस स्टूडियो को इस्तेमाल ना करूं तो हमारी जो सारी लाइटें हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर अभी ऑफ़ कर देता हूँ। दोस्तों ये थी हमारी डिस्प्ले की सेटिंग। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर। तो ये फिर से यहाँ पर ब्लूटूथ आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर ब्लूटूथ की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर है सेट पेयरिंग, यहाँ पर से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक बार मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों सेट ऑडियो। अगर आपने इस स्टूडियो से 2 मोबाइल कनेक्ट किए हुए हैं तो आप ये सेटिंग कर सकते हो। इससे आप कौन से मोबाइल से सॉन्ग चलाना चाहते हो और कौन से मोबाइल से आप अपनी कॉल वगैरह उठाना चाहते हो। और दोस्तों अगर मैं आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर बात करता हूँ, तो सेट रिंगटोन, तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 रिंगटोन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। दोनों रिंगटोन में से आप कोई भी रिंगटोन को यहाँ पर सेट कर सकते हो। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की, तो ये देखिए दोस्तों ये है सेट ऑटो आंसर, इसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपकी कॉल वगैरह आएगी तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारी कॉल ओके हो जाएगी। और दोस्तों अगर मैं सेट ऑडियो पेयर की यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों जो सेट ऑडियो पेयर है वो अपने आप ऑटो कनेक्ट हो जाएगा हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसको यहाँ पर मैंने अभी ऑन किया हुआ है, इसको आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर इसको ऑन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे नेक्स्ट सेटिंग की यहाँ पर बात करता हूँ, तो सेट BT सिग्नल, इसको आप अगर ऑफ़ कर दोगे तो ये देखिए दोस्तों जो हमारा जो ब्लूटूथ का साइन है वो जा चुका है, हमारी जो ब्लूटूथ है वो अभी ऑफ़ हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जो ब्लूटूथ है उसको ऑन कर देते हैं। सेट BT सिग्नल, इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं ये जो BT का निशान है वो अभी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी ब्लूटूथ की बात। अगर मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट सेटिंग की, तो देखिए दोस्तों ये है सोनी ऐप।
अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये है ऑटो लॉन्च और ये है दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों देखिए स्टीरियो से तो यहाँ पर कोई काम नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि सोनी ऐप पर मैं एक वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों इसका एक ऐप आता है जो कि हमें अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो दोस्तों अगर उसकी ऐप की आप वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों वो भी आपको कमेंट कर देना है। तो दोस्तों ये थी इसकी टोटल सेटिंग, सारी सेटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर ये स्टीरियो आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंस्टॉलेशन इसकी इस स्टीरियो की कैसे की गई है और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।